यहाँ पे अगर हम 9-4 पे आते हैं तो 9-4 पे बेटा मैं आपको बता दूँ, 9-4 लगता ही तो है जब हम सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और लेने वाला रजिस्टर्ड, मतलब यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, 9-3 ऐसा नहीं, 9-3 सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना, 9-4 सप्लायर अनरजिस्टर्ड और लेने वाला रजिस्टर्ड। तो इस सिचुएशन में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो नोटिफाई सप्लाई कर रहा है, नोटिफाई सप्लाई कर रहा है और लेने वाला नोटिफाई का समय तो लगता है, इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तीन नोटिफिकेशन आए और तीनों भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रमोटर के लिए, प्रमोटर के लिए है, ठीक है, तीनों इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रमोटर मतलब क्या, अगर आपने यानी जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि उनकी 80% परचेस किससे होनी चाहिए, रजिस्टर से, ओके, यानी इनपुट और इनपुट सर्विस का 80% परचेस रजिस्टर से होनी चाहिए और 20% परचेस अनरजिस्टर से अलग, समझ लो कोई बिल्डर ये बिल्डिंग मान रहा है तो इनके रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, प्रमोटर मतलब बिल्डर, ओके, इनके रिस्ट्रिक्शन है कि ये प्रोजेक्ट की 80% परचेस रजिस्टर पर्सन से होनी चाहिए, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड बी2बी में होनी चाहिए, 20% कभी खेले लगे, ओके, कभी नेल्स लगते हैं, कभी क्या लगे, तो छोटी छोटी परचेस वो नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से जो है परचेस कर सकते हैं, समझ में आया क्या, पर 20% अनरजिस्टर्ड से अलग है। अब वहां क्या कहता है, जो हमने रिस्ट्रिक्शन डाला 80% परचेस, इसमें अगर शॉर्ट हो गया, कम ऑन, इसमें अगर शॉर्ट हो गया तो जितना शॉर्ट हुआ है 80% को, समझो तुम्हारे 70% भी रजिस्टर से, तो कितना शॉर्ट हुआ है, 10% पे आरसीएम लग जाएगा, ओके, तो 30 पे आरसीएम नहीं, ये समझ में आएगा, ये 10% पे आपको क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, ओके, तो 80% के लिए जितना शॉर्ट हो रहा है उस पर आरसीएम लगेगा, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। दूसरा, अगर सीमेंट परचेस होता है अनरजिस्टर्ड से, सीमेंट परचेस होता है तो टोटल आरसीएम है, और कैपिटल गुड्स परचेस होता है तो टोटल आरसीएम। इसमें मैंने क्वेश्चन लिया, आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आपको 9-4 और 9-5 दोनों सेक्शन अप्लाई किए, आई रिपीट 9-4 एज वेल एज 9-5 दोनों सेक्शन अप्लाई किए। देखो मैं थोड़ा ये समझाने की कोशिश करता हूँ, मैसेज बोल गंगा और प्रमोटर बिल्डर रजिस्टर एंड रजिस्टर स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट रॉयल हाउस, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेलिब्रेट करो फॉर दैट इट परचेस फॉलोइंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20XX MXY एज़ फॉलोस, ठीक है। अब इसमें इनपुट अदर देन सीमेंट खरीदा और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी रजिस्टर से खरीदा 252 का, इन प्रोजेक्ट के लिए इनपुट परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड 120,000 का, कैलकुलेटर लाया आपने ले वहां पे, और इनपुट सर्विस रिसीव, ओके, मैसेज सुभाष एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड से 48,000, तो टोटल उसका परचेसेस कितना हुआ 420,000, चलो इसका 80% निकाल, 4 लाख, जो टोटल परचेसेस का 80% निकाला 3 लाख 36,000, इतना परचेस रजिस्टर से होना चाहिए था, अरे यस और नो, तो उसका कितना परचेस रजिस्टर से है 252 का है, यस और नो, इसका मिनिमम परचेस इतना रजिस्टर से होना चाहिए था, उसका कितना है 252, अब 252 है मतलब शॉर्ट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाला 84,000, तो 84,000 पे रिवर्स चार्ज में बिल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, ये समझ में आएगा। अंडर सेक्शन 9-4, दूसरा, उसने सीमेंट परचेस किया और सीमेंट अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से, हाँ, सीमेंट एक ऐसा इनपुट है कि 1 रुपए का भी अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेस करते हो तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे टोटली, ओके, ये जो है दोनों भी किसमें जाएंगे, रिवर्स चार्ज में, रेट दिए है, तो अगर आप देखते हो तो देखो, ओके, अगर आप यहाँ देखोगे तो 84,000 दिखाएं सर में, 84,000 में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, ये किसका 84,000 कहाँ से आया, 80% का डिफरेंस था, 84,000 आएगा और सीमेंट के दोनों इस पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। तो चलिए ये दो क्वेश्चन मैंने कोशिश की कवर करने की, इस तरह से हमने टॉपिक खत्म किया, क्या आरसीएम।